नमस्कार, आप हिनेशन भारत के साथ, मैं हूं राकेश। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इस काल में मोकामा के लोगों को रेलवे ने एक बड़ा गिफ्ट प्रदान करने जा रहा है। वर्षों से बंद पड़ी भारत वैगन कंपनी का शीघ्र ही रेलवे अधिग्रहण कर सकता है। इस बाबत शुक्रवार को दानापुर मंडल के तमाम विभागों के वरीय अधिकारियों ने भारत वैगन कंपनी का अवलोकन किया और हर बिंदु पर जानकारी प्राप्त की। कहा जा रहा है कि इस कंपनी का अधिग्रहण कर रेलवे अत्याधुनिक कोच निर्माण करेगा। इसके पूर्व भी रेलवे के तमाम वरीय अधिकारियों ने भारत वैगन कंपनी का दौरा किया और अधिग्रहण को लेकर समीक्षा की जाती है कि मोकामा के बंद पड़ी इस कंपनी में फिर से खुशहाली की गाथा गढ़ी जा सकती है। तो देखना ये अहम होगा और लाजमी होगा लोगों के लिए कि लोगों की खुशी के लिए और वहाँ पर किस तरह से जो आगे का जो प्रोजेक्ट है ये रेलवे की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों को एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया जाता है। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।